नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज हम शीतला माता मंदिर के बाहर मौजूद है और यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप नज़र घुमाएंगे कि जो रास्ता फ्लाईओवर से होते हुए अंदर शीतला माता के अंदर जाता है मेन भवन की ओर, यहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में, कितनी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन के द्वारा दी गई कोविड कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, कहीं पे भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि किसी ने मास्क लगाया हो। बहुत कम लोग हैं जो मास्क लगा के घूम रहे हैं और साथ के साथ ये भी है कि कहीं पे भी जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन नहीं करी जा रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शीतला माता का मेन दरवाज़ा है, जो मेन द्वार है, वहाँ पे भी आप देखें तो कितनी तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हैं। एंट्री का कोई सही से यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, अंदर आप काफ़ी लोग गए हुए हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान दिलाने लायक अभी ये भी है कि कुछ समय पहले सुबह के वक्त यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत ही ख़राब थी कि यहाँ से लेकर अतुल कटारिया चौक तक जाने में तकरीबन आधे से पौना घंटा लग रहा था। ये जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इससे गुरुग्राम में कोरोना फैलता है तो क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आप देख सकते हैं कि स्वयं पुलिस कर्मियों ने ही मास्क नहीं लगाया हुआ और यही लोग आम जन के मास्क ना पहनने की सूरत में चालान काटते हैं। इस भीड़ भरे हालातों में 2 गज की दूरी आप खुद ही देख सकते हैं, जहां तो एक ओर श्रद्धालुओं की भीड़, वहीं दूसरी ओर दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण भी ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण बना हुआ है। ऐसे में देखना यह होगा कि गुरुग्राम को कोरोना विस्फोट से बचाने के लिए क्या प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जाएंगे या फिर गुरुग्राम की जनता को अपने ही हालातों पर छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।